सो हेलो एंड वेलकम दोस्तों, बात करेंगे IT20 के ETF के बारे में। तो देख पा रहे होंगे IT20 का प्राइस इस समय 29.83 पैसे पे ट्रेड होता हुआ हमें दिख रहा है, और कल के दिन यानी फ्राइडे के दिन इसमें 0.43% की गिरावट हमें देखने को मिली, जो कि एक ठीक ठाक गिरावट थी। और पिछले 5 ट्रेडिंग सेशन की बात की जाए यानी लास्ट वीक, हमें इसमें एक बड़ी गिरावट देखने को मिल रही है, जो कि लगभग 3% की गिरावट देखने को हमें मिल रही है। तो दोस्तों, जैसा कि आप अगर हमारे चैनल पे ऑलरेडी जुड़े हुए हैं और हमारी रेगुलर वीडियो देखते हैं, तो जैसा कि हमने लास्ट वीडियो बनाई थी IT20 के बारे में पिछले ही हफ्ते, यानी पिछले हफ्ते जो फ्राइडे था तब हमने इस पर एक वीडियो बनाई थी, और हमने बताया था कि यहाँ पे थोड़ी बहुत गिरावट देखने को मिल सकती है, और उस समय इस ETF का प्राइस 30.75 रुपये के आसपास ट्रेड हो रहा था। और हमने ये भी दिखाया था कि जो RSI है वो 70 के आसपास चल रहा है उस समय। देख पा रहे होंगे 2 जून को इसका RSI जो था वो लगभग 70 के आसपास आपको देखने को मिल रहा था। हमने कहा था RSI थोड़ा हाई है, ओवरबॉट जोन में दिख रहा था, तो हमने कहा था यहाँ से थोड़ी बहुत गिरावट देखने को मिल सकती है, और वैसे ही देखने को मिला। देख सकते हैं पिछली 5 दिनों में 4 रेड कैंडल देखने को मिल रही है, और देख पा रहे होंगे यहाँ पे जो हमने कैंडल देख रहे होंगे, ये यहाँ पे हमने 1 डे का टाइम फ्रेम सेलेक्ट कर रखा है। यहाँ पर एक कैंडल आपको 1 डे का टाइम फ्रेम शो कर रही है, और हमने पिछले वीक ये भी बताया था अगर लॉन्ग टर्म निवेशक हैं तो आपको ज़्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है, पर आप शॉर्ट टर्म ट्रेडर हैं यानी अगर स्विंग ट्रेडिंग करते हैं इस IT20 के ETF में, तो आप थोड़ा बहुत प्रॉफिट भी बुक कर सकते हैं। क्योंकि देख पा रहे होंगे पिछले 30 से 40 ट्रेडिंग सेशन में हमें एक ज़बरदस्त रिटर्न भी देखने को मिले थे, यहाँ पे लगभग 10% के आसपास रिटर्न हमें देखने को मिले थे। और इसी वजह से हमने ये भी कहा था अगर आप स्विंग ट्रेडर हैं तो आपको लालच नहीं करना चाहिए, थोड़ा बहुत प्रॉफिट भी बुक करते हुए चलना चाहिए। क्योंकि दोस्तों IT20 इस समय ऐसे लेवल पे चल रहा है और IT सेक्टर पूरा, कि अभी हमको यहाँ पे एक बैग से हमें बहुत बड़ा बूम देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि IT सेक्टर में अभी मंदी चल रही है इंडिया वाले। बाकी US के IT सेक्टर तो एक अच्छा परफॉर्मेंस दे रहा है, लगातार दे रहा है। 2023 में IT सेक्टर यानी USA का जो IT सेक्टर है वहाँ पे हमें बहुत ही ज़बरदस्त रिटर्न देखने को मिले हैं, पर इंडिया में ऐसा कुछ हमें देखने को अभी तक नहीं मिल रहा है। वो इस वजह से कि जैसा कि आपको पता होगा इन्फोसिस और TCS के रिजल्ट अच्छे नहीं आए थे, और इनका ही वेटेज सबसे ज़्यादा है IT20 में, और देखा जाए तो 50% से ज़्यादा का वेटेज है। तो उनका जो Q4 का रिजल्ट था वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं आया था, और इन्फोसिस में तो उम्मीद ये भी जताई जा रही है कि आने वाला जो क्वार्टर का रिजल्ट है यानी 2024 फाइनेंशियल ईयर का जो पहला क्वार्टर रिजल्ट आने वाला है, उम्मीद ये जताई जा रही है कि इस क्वार्टर रिजल्ट में भी IT सेक्टर के लिए उतना अच्छा नहीं आने वाला, खासकर इन्फोसिस के लिए। तो अगर ऐसा हुआ तो हमें अभी और भी गिरावट, या कहने का मतलब है कि हमें बहुत बड़ी तेज़ी देखने को नहीं मिलने वाली है। जो लोग उम्मीद कर रहे हैं कि बहुत ही हमें शॉर्ट टर्म में या आने वाले 2-4 महीने में हमें 35 के लेवल IT20 में या 40 के लेवल देखने को मिलेंगे, तो हो सकता है आपको ऐसा देखने को ना मिले, अभी आपको और भी वेट करना पड़ सकता है। तो यहाँ पर हमें छोटे छोटे प्रॉफिट बुक करने के बारे में सोचना चाहिए। और देख पा रहे होंगे यहाँ पे एक चीज़ हम आपको दिखा दें, जो यहाँ पे आपको ब्लू लाइन देखने को मिल रही है ये है 14 डेज का मूविंग एवरेज। तो जैसा कि आप यहां देख पा रहे होंगे अभी तक तो पिछले वीक तक ये जो ETF था 14 डेज मूविंग एवरेज के ऊपर ट्रेड हो रहा था, पर लास्ट वीक यानी जो अभी जो वीक ख़त्म हुआ है इसमें हमें जो कैंडल देखने को मिल रही है वो 14 डेज मूविंग एवरेज को ब्रेक करते हुए देखने को मिली है, और बैक टू बैक 2 बड़ी रेड कैंडल देखने को मिल रही है। तो यहाँ पे कंफर्म हो चुका है कि अब इस लाइन को ये ब्रेक कर चुका है 14 डेज के मूविंग एवरेज को, तो हो सकता है यहाँ से थोड़ी बहुत गिरावट और भी हमें देखने को मिले, और ये ETF 29 के लेवल में भी नेक्स्ट वीक हमें जाने को जाते हुए देखने को मिल सकता है। तो दोस्तों, जैसा कि आप इस समय स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे कि जब जब ये ETF 14 डेज मूविंग एवरेज को ब्रेक करके नीचे गया है तो हमें एक बड़ी गिरावट दिखाया है, और साथ ही जब तक ये ETF 14 डेज के मूविंग एवरेज के ऊपर रहता है तब तक ये अच्छा हमें परफॉर्म करता हुआ दिखता है। आप यहाँ बैक टेस्ट कर सकते हैं पास्ट में जाके, पास डेटा में जाके। तो आप दोस्तों ये ETF में अगर आप स्विंग ट्रेडिंग करते हैं तो 14 डेज का ये जो टूल है 14 डेज मूविंग एवरेज का, इसे यूज़ कर सकते हैं। आप यहाँ भी देख पा रहे होंगे जब तक ये ETF 14 डेज मूविंग एवरेज के ऊपर था हमें अच्छा खासा रिटर्न देता हुआ दिख रहा था। तो हमें यहाँ पे एक चीज़ का ध्यान रखना चाहिए, जब ये ETF 14 डेज मूविंग एवरेज के नीचे जाता है तो हमें कन्फर्मेशन का वेट करना चाहिए। मतलब कि जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं यहाँ पे बैक टू बैक हमें रेड कैंडल देखने को मिली है 14 डेज मूविंग एवरेज को ब्रेक करने के बाद, तो यहाँ पे हमें कन्फर्मेशन मिल चुका है कि ये ETF अब 14 डेज मूविंग एवरेज के नीचे जा चुका है। जैसे कि यहाँ आप देखेंगे तो यहाँ पे हमें कन्फर्मेशन देखने को
नहीं मिला था, रेड कैंडल टच की थी 14 डेज मूविंग एवरेज के पास, पर उसके ही अगले ही दिन हमें ग्रीन कैंडल शो करता हुआ हमें दिख गया था। तो यहाँ पे हमें कंफर्मेशन नहीं मिला था तो मार्केट यहाँ से फिर ऊपर भी गया था। तो आपको 14 डेज मूविंग एवरेज अगर आप यूज़ करना चाहते हैं तो आप यूज़ कर सकते हैं, पर दोस्तों आप इसे किसी भी ETF में यूज़ करने से पहले बैक टेस्ट जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि दोस्तों किसी भी टेक्निकल एनालिसिस करते समय अगर कोई आप टूल यूज़ कर रहे हैं तो उसका बैक टेस्टिंग बहुत ही ज़रूरी है। तो आप अपने हिसाब से भी एक बार इसे जिस भी ETF में यूज़ करना चाहते हैं आप पहले उसमें बैक टेस्ट करिएगा, तभी आप इसे यूज़ करिएगा, अदरवाइज़ आप किसी ETF में फंस भी सकते हैं। तो अगर आप इस ETF में स्विंग ट्रेडिंग करते हैं तो अगर आपने 30 के आसपास भी या 30 के ऊपर के लेवल पे बाय कर रखा है या 30 रुपये 50 पैसे पे बाय कर रखा है, तो आप जैसा कि ETF में हम हमेशा कहते हैं कि आपको 3 से 4 या 5 लॉट आपको लेके चलना ही चाहिए एवरेजिंग के लिए, तो आप 1-1 रुपये की ग्राउंड पे एवरेजिंग कर सकते हैं। तो अगर आप लॉन्ग टर्म निवेशक हैं तो आपको कोई प्रॉब्लम होनी नहीं चाहिए, क्योंकि ये ETF अच्छा है। लॉन्ग टर्म में आपको IT सेक्टर ऊपर जाता हुआ ही दिखेगा, क्योंकि अपने ये जो 52 वीक लो है या कह दें देख पा रहे होंगे अगर 27 रुपये 80 पैसे के आसपास इसका जो लो लगा था, तो अगर आपने 28 रुपये में भी बाय किया है या 29 रुपये में भी बाय किया है तो आप इसे लॉन्ग टर्म में होल्ड कर सकते हैं। तो लॉन्ग टर्म में तो ये ETF अच्छा परफॉर्म ही करेगा, क्योंकि आपने एक अच्छे लेवल पर बाय कर रखा है। तो चलिए अब बात कर लेते हैं IT का जो सेक्टर है। तो दोस्तों जैसा कि आप इस समय स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे ये ग्रो का प्लेटफॉर्म है। तो दोस्तों अगर आपके पास ग्रो का डीमैट अकाउंट नहीं है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ग्रो और जीरोधा दोनों की लिंक अवेलेबल है, आप चाहे तो अपना वहाँ से डीमैट अकाउंट खुला सकते हैं। तो ग्रो में तो बिल्कुल फ्री में डीमैट अकाउंट खुला है, वहाँ जरूर अपना डीमैट अकाउंट खुला सकते हैं। बाकी दोस्तों ये है निफ्टी IT, निफ्टी 20 जो है इसी को ही कवर करता है, ये IT सेक्टर है और यहाँ भी हमें उतनी ही गिरावट देखने को मिल रही है। और पिछले एक वीक की बात की जाए तो यहाँ भी हमें 3% से ज़्यादा की गिरावट देखने को मिल रही है। और चलिए बता दें दोस्तों कि जो IT सेक्टर के जो स्टॉक्स हैं जो आप यहां देख पा रहे होंगे IT 20 का पोर्टफोलियो या यूं कहें IT सेक्टर का पोर्टफोलियो, तो यहां पे जो लास्ट ट्रेडिंग सीजन रहा है उस सारे स्टॉक्स में ही हमें गिरावट देखने को मिली है। और TCS, इंफोसिस और SCL जिनका वेटेज ज़्यादा है IT 20 में, उनमें भी बड़ी बड़ी गिरावट देखने को मिल रही है। और सिर्फ LTI माइंडट्री में ही थोड़ी बहुत तेज़ी देखने को मिल रही है, पर दोस्तों एक स्टॉक क्या ही कर पाएगा अकेले, बाकी सारे स्टॉक्स में हमें गिरावट देखने को मिल रही है। और बता दें दोस्तों नेक्स्ट वीक भी हमें थोड़ी बहुत गिरावट की उम्मीद जताई जा सकती है, क्योंकि हमने बता दिया यहाँ पे 14 डेज मूविंग एवरेज के नीचे ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। तो दोस्तों हम आपको एक बात का क्लियर कर देना चाहते हैं, अगर आप किसी भी ETF में टेक्निकल एनालिसिस करते हैं अच्छी बात है, पर हमें पूरी तरीके से टेक्निकल एनालिसिस पे डिपेंड नहीं होना चाहिए, क्योंकि दोस्तों हालांकि टेक्निकल एनालिसिस एक अच्छी चीज़ होती है, पर आपको पता होगा जैसे कि जो ETF होता है वो अपने आप में कुछ भी नहीं होता है, एक स्टॉक का बकेट होता है। तो जब तक इस स्टॉक में जो भी पोर्टफोलियो है यानी उसमें जो जो भी स्टॉक है उस ETF में, जब तक वो स्टॉक परफॉर्म नहीं करेंगे तब तक वो ETF अपने आप रिटर्न नहीं देने वाला है। तो उनमें जो स्टॉक है जो ETF का भी आप टेक्निकल एनालिसिस कर रहे हैं तो उसमें जो स्टॉक्स हैं खासकर वो स्टॉक जिनका वेटेज ज़्यादा है, जैसे कि IT 20 में बात करें TCS और इन्फोसिस का अकेले वेटेज 50% से ज़्यादा है IT 20 में, सिर्फ दो स्टॉक IT 20 में 50% से ज़्यादा का वेटेज रखता है जो कि है इन्फोसिस और TCS। तो ऐसे स्टॉक को चलना बहुत ही ज़रूरी होता है। आप टेक्निकल एनालिसिस कर रहे हैं बहुत अच्छी बात है, पर जब तक स्टॉक परफॉर्म नहीं करेंगे उसमें जो हैं तब तक वो ETF अच्छे रिटर्न नहीं निकाल के देने वाला है, फिर आप चाहे वो कितनी भी अच्छे से टेक्निकल एनालिसिस कर दें। तो दोस्तों ये बात आपको बहुत ही ध्यान में रखनी चाहिए अगर आप किसी भी ETF में टेक्निकल एनालिसिस करते हैं। हालांकि टेक्निकल एनालिसिस से हमें कुछ हद तक हेल्प मिल जाती है, पर हमें ये बिल्कुल भी नहीं भूलना चाहिए कि उसमें जो स्टॉक है उन्हें परफॉर्म करना ही होगा, अगर स्टॉक परफॉर्म नहीं करेगा तो रिटर्न हमें देखने को बिल्कुल भी नहीं मिलेगा। तो दोस्तों ये बात तो आपको बहुत ही दिमाग में ध्यान में रखनी चाहिए। तो दोस्तों ये था एक शॉर्ट एंड क्विक अपडेट नेक्स्ट वीक के लिए, आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप लर्निंग एंड बी डिसिप्लिन।